दो तीन तेज पत्ता, दो तीन इलायची, हींग, जीरा और एक खूब सारा लहसुन। और इस लहसुन को हम ब्राउन करेंगे पहले। और अब डालूंगा मैं इसके अंदर पालक और अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। पालक का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, उसके अंदर जो फ्लेवरिंग होती है वो ज़्यादातर लहसुन की ही होती है। भूनने के टाइम पे ही मैं इसके अंदर एक पिंच सोडा डालूंगा, ये खाने वाला सोडा है। ये अब हमारी जो पालक है तकरीबन भून चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगा। अब हम उसके लिए मसाला बनाएंगे, चॉप मसाला, चॉप प्याज, और अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डालूँ, जितना प्याज डाला था उससे आधा टमाटर डाल रहा हूँ। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी देगी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ये जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें जाएगा जीरा पाउडर। ये देखिए ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। पालक को डाल दूंगा, फ्राई किया हुआ पनीर इसके अंदर डाल दिया, रेडी है सब।